सरकार ने बने किया है बने दे। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव कुंडा गए थे प्रचार करने, उन्होंने कह दिया कि कुंडा वालों जो यहाँ पे बहुत समय से जीतते आ रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे। अब पता नहीं सपा समर्थक कितने थे वहाँ पे, भीड़ ने कुछ शोर किया होगा। यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे, और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। फिर राजा भैया की बारी आई, उन्हें भी रिप्लाई देना था। भाई राजा भैया तो राजा भैया, तो उन्होंने कहा था मैं बहुत समय से सुन रहा था, अब बहुत हो गया, कुंडा की बारी आई है तो कुंडा का अपमान मैं नहीं सह सकता। कुंडा में कोई कुंडी लगा देगा या कुंडा को कुंडी बोल देगा या कुछ भी, एक मंच की मर्यादा का पालन नहीं किया जा रहा था। तो राजा भैया ने सोचा कि अब वो अपने विचार भी रखेंगे, जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा कि एक तो वैसे भी वो नहीं जीत रहे थे अखिलेश यादव, और अब हम जीतने भी नहीं देंगे, और कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगवा सके, और 7 पीढ़ियां उनकी निकल जाएंगी कुंडा में कुंडी लगवाने में। नेताजी आए कलर की बात, अच्छा हम बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़ी अच्छी टिप्पणी, आपने एक चीज देखा होगा कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हमके धरती पे अभी कोई माइका लाल पैदा नहीं होता। तो वही मैं सोच रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है सपा समर्थकों में, अखिलेश यादव में, किसी में भी। सोच के बोलना चाहिए, किसी भी नेता को सोच के बोलना चाहिए। सपोज अगर अखिलेश यादव का ही कोई गढ़ है, देखिए कोई गढ़ है, कोई ऐसी जगह है जहाँ से बिल्कुल, खैर अब नेता की भी अपनी मजबूरी है, अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो उनका कार्यकर्ता, उनके समर्थक उस जोश में आएंगे ही नहीं, उनको अपने नेता के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो गलती अखिलेश की भी नहीं है, गलती राजा भैया की भी नहीं है, लेकिन एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसी के गढ़ में बैठ के, मतलब जंगल में जाके शेर को ललकार रहे हैं, तो भाई शेर भी बताएगा कि वो शेर है। खैर मैं चाहता हूँ, कितने लोग चाहते हैं कि राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच में जो वार्तालाप, एक जो रिबटल हुआ है, एक का जवाब दूसरे ने दिया है, आपका इस पर क्या मानना है आप कमेंट करके बताइए। कौन किसको जिताने वाला है, यूपी में किसकी सरकार आने वाली है, इसके आपके पास कोई भी व्यू है तो जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले में, जय हिंद, वंदे मातरम।